फिलहाल हम चाहेंगे कि श्री सुरेश पासवान जी, जो मुखिया सुरेश पासवान जी के नाम से जाने जाते हैं, वो तस्लीम साहब के बड़े करीबी रहे। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और एक इशारे पर फारबिसगंज में, गांव में, कहीं भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम ये कर देते थे। बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, कभी किसी बात पर इनकार नहीं करते थे और कभी हमने उनसे बेअदबी करते हुए नहीं देखा। इसीलिए सुरेश पासवान उनकी नज़रों में बहुत चहेते थे। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर निर्धारित समय में अपने संस्मरण सुनाते हुए वो श्रद्धांजलि अर्पित करें श्री मुखिया सुरेश पासवान जी। आज के हमारे आदरणीय दादाजी पूर्व सांसद सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर आए हुए विभिन्न दल से हमारे पदाधिकारीगण एवं हमारे बीच उप मंचासीन पूर्व सांसद माननीय हम लोग के अभिभावक श्री सुखदेव पासवान जी, मंचासीन हमारे चाचा केन विश्वास जी, मंचासीन हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब एवं तमाम मंचासीन हमारे अभिभावक गार्जियन और तमाम मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों। दोस्तों, मैं तो बहुत कम दिन से ही माननीय सीमांचल गांधी के साथ रहते थे और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली, मैं बहुत चंद शब्दों में आपके बीच में रखना चाहता हूं। दोस्तों, जब वो सिसोना जाते थे माननीय चाचा जी के साथ, तो वहां हम लोग बोलते थे खाना खा लो तब जाना, और कहते थे दादाजी खाना खा लिए कल के झूठ बोलते हो। तो उन्हीं पर मैंने एक शायर भी बनाया है, शेर कभी नहीं बिकते कुत्तों की बाजारों में, शेर कभी नहीं बिकते कुत्तों की बाजारों में, सीमांचल गांधी का नाम कभी मिटा नहीं सकते मनुवादी समाज विरोधी आरएसएस के अफवाह वाले ने। दोस्तों, बार बार उन्हीं लोगों ने इन्हें भेजते थे जेल और जनता की अदालत में बार बार होते थे बेल, उन्हीं का नाम थे सीमांचल का शेर। तो दोस्तों, मैं उन्हें कैसे भुला सकता हूं। उन्होंने कहते थे अगर वक्त मिलता है, फ्री टाइम रहते हो, कुछ करो कुछ करो। हम बोलते थे दादा क्या करें, तो ये जो है डुप्लीकेट सामान बनता है, उसके विरोध में समाज में एकत्र होके उसका विरोध करो, गलत लोग हैं उसका विरोध करो, समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहो। उन्हीं का माननीय पुत्र हमारे बीच जो सांसद हैं माननीय सरफराज आलम जी, उन्हीं का नक्शे कदमों पर चलने वाले शेर का पुत्र शेर होते हैं। दोस्तों, मैं अररिया जिला वाले को, अपने भाई बंधुओं को बता देना चाहता हूं, बहुत कम समय में अनुकंपा पर उन्होंने आए हैं थे, जिन्हें टाइम मिलना चाहिए थे 5 साल, मात्र मिला 6 महीना, और तमाम जनता के बीच जाते हैं। मैं भी उनके पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं। उन्होंने कहते हैं डायरेक्ट जनता के बीच ले जाओ, चलो और जनता से मैं बात करेंगे, कि नहीं चलिया बिचलिया किन्हीं का नहीं चलता उनके सामने में। दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे लोग उनसे नाराज होंगे, मैं उनसे माफी मांगता हूं। हमारे जो माननीय सांसद हैं, इनके अंदर में हमारे माननीय सीमांचल गांधी का हर शब्द हर वाणी उनके रास्ते पर चलने का कदमों निशान उनके अंदर में है, उनमें क्षमता है। इसलिए कि मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मैं भी जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, दोस्तों कोई बात छुपा हुआ नहीं है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, दलित शोषित पीड़ित जितने दबे कुचले लोगों हैं उनके मुंह में आवाज देने का काम माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। आज उनके साथ देखिए, जिस केस में तमाम बिहार के अच्छे अच्छे लोग थे
उन्हें रातों रात बेल होते हैं, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी बीमार हैं, भोजन नहीं अच्छा से मिल रहा है, और उन्हें केस में बेल नहीं होता है। उनके जनता का अदालत में मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाला 19 में, आने वाला 20 में बिहार का मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव को रोकने वाला कोई नहीं। दोस्तों, आप चाहे जितने भी अफवाह फैला लो, आप बहुत कम हो, लेकिन आप हो सकते हो मीडिया में हो, पत्रकार में हो, जहाँ भी हो, आप अपने कर्तव्य से विमुख अगर हो गए, जनता का अदालत में फैसला होने जा रहा है। इन चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सीमांचल, जय गठबंधन, जय लालू, जय राबड़ी।